नमस्कार दोस्तों, जिसका आप सभी भारतीय फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई के बीच खेला जाना है। और यह मुकाबला कब और कितने बजे से शुरू होगा और इस मुकाबले में दोनों ही टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है, बताएंगे आगे आज की इस वीडियो में। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी सीएसके और आरसीबी के बड़े बड़े फैन, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 का आगाज होने में महज कुछ ही पल बचा हुआ है और आईपीएल 2024 के लिए बीसीसीआई ने कुछ ही दिन पहले ही आईपीएल 2024 के शेड्यूल को जारी कर दिया था। हालांकि शेड्यूल पूरे आईपीएल का अभी तक नहीं आया है। चुनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल के आधा अधूरा शेड्यूल को ही जारी किया था। और दोस्तों, आईपीएल 2024 का बचा हुआ शेड्यूल भी बीसीसीआई बहुत ही जल्द जारी करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा, साथ ही दोस्तों किस प्लेइंग 11 के साथ दोनों ही टीमें मैदान पर उतरने वाली हैं। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 का जो पहला मुकाबला है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई के बीच खेला जाना है। और यह मुकाबला जो है चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में 22 मार्च को शुरू होगा और इस मुकाबले में टॉस भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे में होगा। इस मुकाबले का पहला गेंद 8 बजे को फेंका जाएगा। तो दोस्तों, बात करें दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर हमें पहले नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए दिखाई देंगे, दूसरे नंबर पर रचिंद्र रविंद्रा, तो ही तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, चौथे नंबर पर हमें शिवम दुबे और मोइन अली दिखाई देंगे, छठवें नंबर पर रविंद्र जडेजा और सातवें नंबर पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ही दोस्तों, आठवें नंबर पर दीपक चहर, नंबर 9 पर तुषार देशपांडे खेलते हुए दिखाई देंगे, वहीं 10 नंबर पर महेश तेक्साना, 11वें नंबर पर समीर रिजवी दिखाई देने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आरसीबी के प्लेइंग 11 की ओर नजर डाले तो आरसीबी के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। दोस्तों, पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर फाफ डुप्लेसिस, तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार और चौथवें नंबर पर कैमरन ग्रीन, वहीं दोस्तों पांचवें नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, तो वहीं पर छठवें नंबर पर माहीपर लोमलोर दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, सातवें नंबर पर अलजारी जोसेफ और नौवें नंबर पर लॉकी फर्गुसन दिखाई देंगे। तो वहीं पर दोस्तों, दसवें नंबर पर हमें आकाशदीप और 11वें नंबर पर टीम के मुख्य गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलती हुई दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है सीएसके और आरसीबी टीम में पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। तो दोस्तों, सीएसके और आरसीबी टीम में कौन जीतेगा आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।